कौमी जांच एजेंसी NIA ने एक हैरान करने वाला दावा करते हुए कहा कि भीमा गोरिका और एल्गर परिषद मामलों की मुलजमीन ने मुबैना तौर पर महाराष्ट्र और मुल्क में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को लिए JNU और टाटा इदारों जैसे दो फहरिस्तों हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों के तलबा की भर्ती की गई थी। NIA का ये बयान गुज़िश्ता 4 सालों से हिंदुस्तानी सियासत को हिला देने वाली सनसनीखेज मामलों के ताल्लुक से 16 गिरफ्तार मुलजमीन और 6 दीगर भगोड़ों के खिलाफ दायर दोहरे मामलों में चार्जशीट के मसौदे में सामने आया है। दोनों मामलों को तवील जांच के बाद गुज़िश्ता हफ्ते ये ड्राफ्ट चार्जशीट NIA स्पेशल कोर्ट के खसूसी जज DA कोठालीकर के सामने दाखिल की गई थी। NIA के मुताबिक मुलजमीन ने दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए दो मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली और टाटा समाज साइंस इंस्टीट्यूट मुंबई समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा की भर्ती की थी। उन पर ममनुआ तंजीमों के सरगर्मियों और नज़रियात को फ़रोग देने, लोगों और तलबा को यकजा करने, हुकूमत हिंद और महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार करने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के साथ ही मुल्क के सालमियत को बड़े पैमाने पर खतरे में डालने से संगीन मकासद रखने के इल्जामात है। उसके साथ ही उन पर जदीद असलाहों और धमाका खैज मादों से मुतालिक ट्रेनिंग देने, बड़े पैमाने पर तशद्दुद करने, लोगों में दहशत फैलाने और दीगर ममनुआ सरगर्मियों में शामिल होने के इल्जामात है।